हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग आईसीएसई स्टैंडर्ड 10 3.6 पुली। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने पुली की डायग्राम पहले से ही ड्रॉ की हुई है, तो आज हम समझेंगे पुली। तो पुली का जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा शॉर्ट में अगर समझना है तो पुली अगर लिखे तो पुली इज अ फ्लैट सर्कुलर डिस्क। वी नो दैट पुली कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जब कुएं में से पानी निकालते हैं तब पुली का यूज़ होता है। ठीक है, तो पुली क्या है, एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क होती है, एकदम डिस्क फ्लैट होती है। ठीक है, हैविंग अ ग्रूव टू इट्स एज, जो उसकी एज होती है। तो यहाँ पर ये जो ग्रूव है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट ग्रूव। ठीक है, अगर हमें रस्सी वहाँ पर फंसानी होगी तो वहाँ पर जगह चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड ग्रूव। ठीक है, सो ग्रूव टू इट्स एज एंड कैपेबल capable of rotating about a fixed axis, about a fixed sorry axis नहीं point बोलेंगे, यहाँ पर point है ना, तो fixed point passing through its center and is commonly called axle। ठीक है, तो इसकी पूरी ऐसे रेफरेंस एज अ डेफिनेशन हो गई पुली की। तो पुली क्या है, एज अ फ्लैट डिस्क हो गई, फिर ग्रू यहाँ पर रखा है, ग्रू जहाँ पर हम लोग रस्सी बनाने वाले हैं जिससे कि वर्क हो सके, और ये जो फ्लैट डिस्क है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से रोटेट करने के लिए यहाँ पर एक एक्सल दिया है। सो दिस इज़ कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये पास हुआ ना डिस्क के सेंटर में से, एंड इज कॉमनली कॉल्ड एक्सल। क्लियर, सो यहाँ पर पुली ऑलवेज मोस्ट ऑफ जनरली वी यूज बाय फॉर्मिंग बाय मेटल, मतलब कि मेटल से बनी हुई पुलिंग ही जनरली वी यूज इट। क्लियर, तो जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर कुछ कभी कभी पुलिस आर मेड अप फ्रॉम वुड, वुडन से बनी हुई पुलिस भी यूज होगी। क्लियर, सो स्ट्रिंग को हम लोग कहाँ पे घुमाएंगे, ग्रू पे घुमाएंगे, तो एंड देन पुली रोटेट्स अबाउट दिस एक्सल, और जो भी हमें काम करना हो वो वहाँ पर काम हो जाएगा। क्लियर, सो हियर नाउ वी आर डिस्कसिंग थ्री पुली सिस्टम्स। क्लियर, सो थ्री पुली सिस्टम्स में फर्स्ट पुली सिस्टम दैट इज सिंगल फिक्स्ड पुली सिस्टम। तो सिंगल फिक्स्ड पुली सिस्टम समझे, so here now we are discussing the single fixed pulley system. So in this pulley system it consists only single pulley. Clear, so it is attached to some high platform and around its groove passes a rope, so we can give effort and we can take lift the load towards the upward. Clear, so starting from the mathematical terms, so let L be useful load, उसको हम लोग always useful load के तरीके से लेते हैं। क्लियर, now effort, अब ये जो load है उसको lift करने के लिए कुछ effort चाहिए, that is capital E। क्लियर, so effort acts in downward direction, तब ये load ऊपर की तरफ lift होगा। क्लियर, so by giving effort distance is equal to d, distance by the effort as well as load,
that distance is covered as d. Clear? Now let x be the load due to resistance, kuch resistance bhi milega na, resistance and weight of pulley, resistance and weight of the pulley. So now L becomes total, yes, total load. Clear? तो L हमारा बन गया, वो हमारा total load बन गया. So total load is equal to, I can say, by useful load plus resistance load. Clear? Load due to resistance. Okay. So this is our capital L. Okay. Now I can say when pulley is in equilibrium, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो दोनों टेंशन सेम होंगे, कोई मूवमेंट नहीं है. क्लियर? सो लेट टेंशन ऑन स्ट्रिंग इज इक्वल टू कैपिटल टी. क्लियर? सो नाउ अवर लोड इज, अगर इक्विलिब्रियम में है तो लोड का टेंशन, टोटल लोड का टेंशन दैट इज टी, एंड एफर्ट का टेंशन दैट इज ऑल्सो टी, दोनों सेम रहेगा. क्लियर? पुली जब इक्विलिब्रियम में, देर इज नो मूवमेंट देर. ओके. नाउ फर्स्ट आई हैव टू फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज. सब जगह पे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो फाइंड करने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना ज़रूरी है. एंड फॉर्मूला इज लोड अपॉन एफर्ट. क्लियर? सो लोड अपॉन एफर्ट में वी कैन से, वी कैन राइट एल अपॉन कैपिटल ई इज इक्वल टू, बोथ हैव सेम टेंशन, सो टी अपॉन टी. क्लियर? सो यहाँ पर दोनों का टेंशन सेम होने के कारण टी अपॉन टी बिकम्स वन. सो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया? वन हो गया. क्लियर? ओके. नाउ वी आर फाइंडिंग the velocity ratio. Earlier we also find velocity ratio similar. Yeah. So velocity ratio, yes. तो velocity ratio में अगर याद हो, ratio में अगर याद हो तो हमने arms लिए थे कि भाई कहाँ से कितने arms है, भाई fulcrum arm या फिर load arm, effort arm. Clear? But यहाँ पर डिस्टेंस लेना है वेलोसिटी रेशियो में. भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस ही रहेगा, तो यहाँ पर भी एफर्ट का डिस्टेंस डी, लोड का डिस्टेंस डी, एक्चुअल रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज डी अपॉन टाइम, डी अपॉन टाइम, बट बोथ टाइम आर सेम, दैट्स व्हाई टी टी कैंसल, डी बाई डी ऑल्सो इज कैंसल हियर, सो आंसर विल बी वन. क्लियर? ओके. नाउ अनदर टर्म दैट इज एफिशियंसी ऑफ पुली, ये भी हम लोग फाइंड करते थे. तो एफिशिएंसी ऑफ पुली एंड दैट फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर. अच्छा, एम ए क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है. वी आर, तो यहाँ पर फाइंड किया वेलोसिटी रेशियो, बोथ आर वन वन, सो आंसर विल बी वन, वन अपॉन वन, आंसर इज वन. तो वेन एवर एफिशियंसी ऑफ पुली आंसर इज वन, इट इज कॉल्ड एफिशियंसी इज 100%. सो एफिशियंसी हियर इज 100%. सो इफ एफिशियंसी, इफ वी गेट 100% एफिशियंसी, देन वी कैन से दैट दिस इज, देन दिस इज आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज. ये तो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज हो गया हमारे लिए. क्लियर? तो आइडियली ये एक 100% जो एक्यूरेसी होती है वो वाला एक हमें एफिशिएंसी मिल गई. क्लियर? सो इट इज 100% एफिशिएंसी.
क्लियर. ओके नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि जो लोड है और एफर्ट है वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करता है. वी नो दैट लोड और एफर्ट बोथ आर इक्वल टू वन बिकॉज बोथ आर सेम हियर बिकॉज दे आर सिमिलर बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ पुली. पुली हमारा कैसा है, इक्विलिब्रियम में है ना, तो एल अपॉन ई विल बी वन. सो वी कैन से एल, एल फॉर्मूला इज एल प्लस एक्स अपॉन ई. सो एल प्लस एक्स अपॉन ई इज इक्वल टू अगेन आई हैव टू राइट वन. क्लियर. ओके सो हियर इन डिनोमिनेटर दैट इज ई, सो आई कैन सेपरेट द एल सी एम. सो एल बाय ई प्लस एक्स बाय ई इज इक्वल टू वन, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं. क्लियर. तो अब एल सी एम को अगर हमने हटाया है तो एक टर्म राइट हैंड साइड ले जाते हैं. कौन सी टर्म राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सो एल अपॉन ई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन ई. क्लियर. नाउ व्हाट इज एल अपॉन ई, अवर एल अपॉन ई इज अम्मा एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज. वाई एक्चुअल, बिकॉज दिस इज यूजफुल लोड. So whenever there is useful load in that equation, that is actual mechanical advantage there. So amma is equal to 1 minus x upon e there. Clear. So this is the formula for our single movable pulley, single fixed pulley system. Clear. So if here, if we have x by e positive value, if that is positive value, AMA value is, AMA is less than 1. क्योंकि अगर x by e यहाँ पर positive है तो 1 minus कुछ term होगी वो एक में से रिमूव हो जाएगी, एक में से रिमूव हो जाएगी, तो वो टर्म तो छोटी हो गई, तो हमारा अम्मा विल बी लेस देन वन. क्लियर. सो देर आर सम रीजंस फॉर यूजिंग सिंगल फिक्स्ड पुली. कि क्यों, देर आर सम रीजन क्यों हमें फिक्स्ड पुली ही यूज करनी है. तो इसका फर्स्ट रीजन है कि ये एक तो इजी होता है. जो एफर्ट है वो ऑलवेज हमने देखा डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफर्ट जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वो फोर्स लगाना हमारे लिए इजी रहेगा. फोर्स बहुत ही इजीली हम लोग लगा पाएंगे. क्लियर. तो हम लोग ऊपर पुश करने की जगह नीचे खींचने वाला फोर्स लगाएंगे तो वो इजी है. एंड इन दिस सिंगल फिक्स पुली सिस्टम द पुली हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट. वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए पुलीज आर हेल्पिंग. क्लियर. नाउ सेकंड रीजन, सो इन सेकंड रीजन वन कैन यूज़ वंस ओन बॉडी वेट. अगर कुछ बड़ी चीज़ हमें ऊपर लिफ्ट करनी है तो हम खुद का वेट भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. पूरे लटक जाओ तो बहुत सारा वेट, अपनी जितना वेट है ना उतना वेट का भी हम लोग नीचे खींच पाएंगे. क्लियर. So that's the benefits of our single fixed pulley system. Clear?